जी, अब हम देखते हैं कुछ और रे के ऊपर क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आपने जो भी रे पे प्रोसेसिंग करनी है, आपको एक लूप रिक्वायर्ड होगा, जैसे सी में होता है, सी प्लस प्लस में। तो इसमें कुछ एनहांस फॉर लूप मिल गया है जावा के अंदर वर्जन 5 के ऑनवर्ड। वो हम पहले देख भी चुके हैं अपने लूप के आइट्रेशन के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप रे की टाइप देते हैं, ठीक है, कॉलन। आप बता देते हैं कि वो किस रे का, सॉरी, रेफरेंस देते हैं, एंड यू टेल के वो कौन सी टाइप है उस अरे की। तो वहाँ पे एक नया वेरिएबल यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो सारी वैल्यू इसके अंदर आइट्रेट होके प्रिंट हो सकती हैं। सो यू कैन डू लाइक दिस, ये जैसे डबल की अरे थी, माई लिस्ट कॉलन वैल्यू। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ आपको, तो आप ये देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको इधर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, हम यहाँ पे करे लेते हैं, int array इज इक्वल्स टू वन फोर दिस दिस दिस, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन ये है कि किस टाइप की है, इंट की है, कोई वेरिएबल ले लें, ए में वैल्यू, या चले वैल्यू ही लेते हैं इसको, कॉलन ये अरे। तो ये आपका क्या करेगा, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू में वन बाई वन वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी और प्रिंट होता जाएगा। सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे इसकी वैल्यू इस तरह प्रिंट कर सकता हूँ। सो ये मुझे तमाम पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करके रिजल्ट दे देगी। ये फुल अरे प्रिंट कर रहे हैं विद दिस लूप। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या था, आई इंच आई इज इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन आई, जो आपके नॉर्मल लूप चल रहा होता है, ठीक है, वो आप वो काम भी इसमें कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलम आई लेस देन अरे डॉट लेंथ सेमी कॉलम आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी जगह ये काम कर सकते हैं, और अब आपकी वैल्यू नहीं आएगी बल्कि क्या आएगा, अरे सब आई। ये सेम सी प्लस प्लस तरीका है आपका, ये वही चीज़ आपको रिटर्न करेगा, सेम चीज़। तो ये आप इन्हेंस फॉर लूप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अरे कॉपी करना, अगर आप अरे को कॉपी करते हैं तो ये आपको आइडिया है कि आप इसको इक्वालिटी के साथ असाइन कर देते दूसरे को। लेकिन इस केस में होता क्या है, अगर आपने दो अरेज बनाई हुई हैं तो ये दोनों एक को पॉइंट करना शुरू कर देंगी, और ये सेकंड जो है इसका जो रेफरेंस है जो हीप के ऊपर है, ये गार्बेज कलेक्शन के लिए चला जाएगा, ये उससे रिलीज़ कर देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो लूप लगा के हर एक एलिमेंट को उसके अंदर कॉपी करें, जैसे आपके नॉर्मल अरे को कॉपी करने का प्रोसीजर होता है। अदरवाइज इसका अपना एक फंक्शन है सिस्टम का, जावा का, सिस्टम डॉट अरे कॉपी, जिसमें आपको क्या बताना होता है, दो अरेज आपने डिक्लेयर की हैं, एक में डाटा है, दूसरी के अंदर उतनी ही लेंथ की एम्प्टी लिस्ट है। तो आप बताते हैं फर्स्ट लिस्ट 0 से स्टार्ट हो, सेकेंड लिस्ट 0 से स्टार्ट हो, और जितनी उसकी लेंथ है उतनी तक कॉपी कर दे। यानी कि फर्स्ट लिस्ट का 0th एलिमेंट से स्टार्ट हो के सेकंड के भी 0 एलिमेंट से स्टार्ट हो, एंड तक कॉपी कर दे। ये इसकी चार पांच आर्गुमेंट है, जिसमें आप स्टार्टिंग ऑफ सोर्स सोर्स बताते हैं, सोर्स का स्टार्ट बताते हैं, डेस्टिनेशन बताते हैं, डेस्टिनेशन का स्टार्ट बताते हैं, और आप बताते हैं टोटल कितना एलिमेंट कॉपी करने हैं।
डेस्टिनेशन के, तो वो अगर पूरी कॉपी कर रहे हैं तो उसकी लेंथ तक वो उसका होगा, आप कहते हैं 0 to 0 to जितने उसकी लेंथ है वहाँ तक कॉपी कर दे। तो अरे कॉपी सिस्टम का अपना फंक्शन है, जो आपके पास सिस्टम क्लास मौजूद है, सो यू कैन कॉपी लाइक दिस अरे कॉपी, ठीक है। तो ये हमारा था, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि हम पास बाय अरे को पास मेथड को कैसे पास करते हैं। अरे को आप सिंपली एक अरे को पास कर सकते हैं किसी मेथड को, जैसे ये प्रिंट अरे का फंक्शन है, इसको पास किया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट अरे के अंदर हमने अरे पास की है, तो आप कोई भी लिस्ट, इसको लिस्ट इनिशलाइज की, यू कैन डायरेक्टली पास इट, या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एनोनिमसली भी लिस्ट को पास किया है। तो एनोनिमस अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एनोनिमस अरे क्या होती है। ये इसका जो है रेफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि ये आपकी मेमोरी के ऊपर, मेमोरी में ये क्रिएट हो रही है और डायरेक्टली इसको हम पास कर रहे हैं न्यू इंट दिस वन। तो ये हमारी एनोनिमस अरे है। सो आप देख सकते हैं कि एक मेथड हमने बनाया प्रिंट अरे का, जिसको हमने अरे पास की है, डायरेक्टली भी मैं अरे पास कर रहा हूँ या मैं इसको इसके थ्रू भी पास कर सकता हूँ, एनोनिमसली भी पास करता हूँ कर सकता हूँ। सो आप किसी भी अरे को किसी भी मेथड में को पास कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट। तो एनोनिमस अरे क्या होती हैं, द स्टेटमेंट दिस वन क्रिएट एन अरे यूजिंग द फॉलोइंग सेंटेक्स न्यू डाटा टाइप दिस दिस दिस, देर इज नो एक्सप्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल फॉर द अरे, सच अरेज इज कॉल्ड एनोनिमस अरे। इसके पास, इस किस्म के अरे के पास कोई भी रेफरेंस नहीं होता, लेकिन ये आपकी मेमोरी में क्रिएट जरूर हो रही होती हैं, विदाउट रेफरेंस ये क्रिएट होती हैं। सो ये एनोनिमस अरे कहलाती हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जावा में पास बाई वैल्यू होता है या पास बाई रेफरेंस होता है। जितने प्रिमिटिव टाइप हैं वो अगर आप पास करते हैं जावा को किसी भी फंक्शन को, तो वो आपकी पास बाई वैल्यू होती है, लेकिन अगर आप इसको अरे पास कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो वो पास बाई रेफरेंस होता है। सो अगर आप चेंज करेंगे इनसाइड द फंक्शन तो वो चेंज आपको आउटसाइड द अरे मिलेगी। इसकी एग्जांपल अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे ये है मेरे पास, अभी मैंने एक फंक्शन बनाया, ये हमारा लास्ट प्रिंट का फंक्शन था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सिस्टम आउट प्रिंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी प्रिंट अरे ए डबल आर, ये प्रिंट करेगा और उसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको प्रिंट करवाऊँगा, लेकिन लूप यानी यहाँ जाके मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर देता हूँ खुद से। मैं कहता हूँ जी अरे सब ज़ीरो इज इक्वल्स टू 90। देखिए मैंने इस फंक्शन को अरे पास की है इंटीजर की, वो ये अरे है मेरे पास। अब इस अरे की असल वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो मैंने फंक्शन के अंदर जाके इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट को 90 कर दिया है। देखिए जी ये आपको 90 प्रिंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट, सो इट मीन ये पास बाय रेफरेंस है। मैंने इसको पास किया वैल्यू, इसको एक अरे का रेफरेंस पास किया और अंदर जाके उस फंक्शन में मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, तो मुझे उस एलिमेंट पे बाहर इस फंक्शन के बाहर भी वैल्यू चेंज की मिल गई है। सो अगर आप किसी भी फंक्शन को अरे पास करते हैं और अगर आप उस वेरिएबल के अंदर चेंज कर देते हैं तो आपको आउटसाइड चेंज मिलेगी, क्योंकि ये दिस इज़ पास बाय रेफरेंस, याद रखिएगा जावा के अंदर। ये इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या हो रहा होता है, स्टैक के ऊपर आपके जो है वो रेफरेंस वेरिएबल पड़े होते हैं और हीप के अंदर आपकी ओरिजिनल अरे जो है वो पड़ी होती है। सो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं जो आप उसको पास करते हैं, ठीक है। तो JVM जो है वो अरे को कहाँ स्टोर करता है, वो हीप के ऊपर स्टोर करता है। सो इसलिए जब आप उसको कोई रेफरेंस पास करते हैं तो वो जो है उसको सेम जगह को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास अरे के अंदर आपको आइडिया है कि आप सर्चिंग करते हैं, मैक्स फाइंड करते हैं, मिन फाइंड करते हैं, सारा कुछ वही तरीका है, ठीक है। तो आपने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च ये सारे एल्गोरिदम पढ़े होंगे किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो जावा के अंदर खुद बना बनाया एक फंक्शन मौजूद है जो कि आप उससे बाइनरी सर्च कर सकते हैं, वो ये है हमारे पास java.util.arrays.binarysearch। आप उसको लिस्ट पास कर दें और एलिमेंट पास कर दें तो ये आपको पोजीशन रिटर्न कर देगा कि हाँ जी ये मौजूद है या नहीं मौजूद।
सो ये हमारे पास बाइनरी सर्च का फंक्शन मौजूद है जो कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अरेज से, ठीक है, इसके बने बनाए फंक्शन से। इसी तरह हमारे पास सॉर्टिंग का फंक्शन मौजूद है अरे के अंदर, जावा डॉट यूटिल डॉट अरेज डॉट सॉर्ट, तो अगर आप उसको वैल्यू देंगे तो वो आपको सॉर्ट करके अरे को आपको रिटर्न कर देगा कि दिस इज़ नाउ सॉर्टेड अरे। आई होप ये आइडिया वो क्लियर हो गया होगा कि ये वही सेम चीज़ें हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि आगे हम जब यूटिल मेथड के ऊपर जाएंगे, यूटिल कलेक्शन एपीआई पे जब हम ट्रेनिंग लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वो डाटा स्ट्रक्चर जावा सपोर्ट कर रही है।